कितने लोग हैं जो फलवंत होना चाहते हैं, फ्रूटफुल होना चाहते हैं। हालेलुया, हम सब चाहते हैं कामयाब होना, हम सब चाहते हैं उन्नति करना, हम सब चाहते हैं फलवंत होना। हालेलुया, कैसे आज परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे कौन सी चीजें हैं जो अगर हमारी जिंदगी में हो तो हम फ्रूटफुल हो सकते हैं, और अगर ये ना हो जितना मर्जी जोर लगा लो कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे पांच चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हालेलुया, ये पांच चीजें अगर आपकी जिंदगी में हैं, कभी भी अप डाउन नहीं होंगे, कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, वो तुम्हें सौंप सकता है। कौन सी चीज है? सबसे पहले परमेश्वर के वचन का ज्ञान अगर एक व्यक्ति के पास है, अगर परमेश्वर के वचन का ज्ञान एक व्यक्ति के पास है, वो उन्नति करेगा हमेशा। आज बहुत सारे लोगों के पास वचन का ज्ञान है, दिमाग में भरे पड़े हैं वचन, याद है वचन, लेकिन फिर भी लाइफ में फ्रूट नहीं है, सिर्फ पता है, दिमागी तौर से पता है। हालेलुया, बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो तुम्हें सौंपा गया है तुम्हारी उन्नति कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको बनाने की सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर का वचन आपको बनाता है। हालेलुया, दूसरा, हालेलुया, तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। क्या होता है जब आप परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं, और दूसरा जब आप उस पर मनन करते हैं, आप सोचते हैं, आप मनन करते हैं, आप ध्यान उसी वचन पे ध्यान धरे रहते हैं, तब परमेश्वर आपकी उन्नति को सब पर प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को वचन याद है, लेकिन जब आप मनन करते हो वो वचन आपकी आत्मा में उतर जाते हैं, और जब वो वचन आपकी आत्मा में उतरते हैं वो फल लेकर आते हैं। हालेलुया, क्या लिखा यहां पर कि उसके वचन पर ध्यान धरे रहना और उसी को सोचते रहना, फिर तेरी उन्नति सब लोगों पर प्रकट होगी। हालेलुया, अगर वचन सिर्फ दिमाग में रहे कुछ नहीं, जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसके ऊपर मनन नहीं करेंगे, उस पर चलेंगे नहीं, तब तक आपकी उन्नति सब पे प्रकट नहीं होगी। हालेलुया, जब आप बाइबल पढ़ते हैं उसी में ध्यान धरे रहे, तुझे वो वचन याद रहे, उस पे मनन करता रहे, उस वचन को सोचता रहे, जब आप मनन करेंगे वो आपकी आत्मा में उतर जाएंगे, और वो जब जड़ पकड़ेंगे आपकी जिंदगी में, वो फ्रूट आएगा, वो उन्नति आएगी, और वो सब पे प्रकट होगी। हालेलुया, हम पढ़ेंगे तीसरा, आत्मा में प्रार्थना करना। हालेलुया, आपको समझ नहीं आ रही, दूसरों को समझ नहीं आ रही, लेकिन जब आप वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलते हो, आपकी जिंदगियों में कुछ हो रहा होता है, कुछ बन रहा होता है, कुछ गवाही तैयार हो रही होती है। हालेलुया, लिखा आत्मा हमारी मध्यस्थता करता है। मुझे क्या प्रार्थना करनी है, मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, आत्मा आपकी मध्यस्थता करता है कि आपको क्या प्रार्थना करनी है, किस चीज के लिए आपको प्रार्थना करनी है।
हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बता दूं, अगर आप आत्मा में प्रार्थना करते, कोई व्यक्ति आपको गिरा नहीं सकता, कोई भी इंसान आपको गिरा नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। आप खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूं, आप आत्मा में खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, याद रखें, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका वो काम प्रोसेस में है, और एक टाइम आएगा जब आपकी टेस्टमनी आपके सामने होगी यीशु मसीह के नाम से, और कोई आपको हिला नहीं सकता। हालेलुया। कोई सिचुएशन, कोई हालात, कोई व्यक्ति आपको हिला नहीं सकता, अगर आप आत्मा में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। और चौथा, बुद्धि की बातें बोलना। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई बीमारी आई, कोई तकलीफ आई, हम रोने लग जाते हैं, हाय उनकी बनूगा, हाय उनकी बनूगा, कितने जावांगे, की हो गया था डेनाल, अपन रोन लग जाने, अपन फोन ते प्रॉब्लम दसन लग जाने एक दूजे नु, अपन प्रॉब्लम डिस्कस करन लग जाने, हाय मर गया मर गया मर गया, उन नहीं बचना, ऐत की नहीं बचना, अब हमारी मेरी जान लेके जाओगी, आप कर्जा मेरे जिंदे जी उतरना ही नहीं करे। इस तरह दे कन्फेशन करते हैं असि जदों साडे जीवन च प्रॉब्लम आंदी है। की करना उस टाइम ते जद प्रॉब्लम आवे? मैं हमेशा जद भी लोग आंदे मेरे कोल, उन्होंने अपनी नेगेटिव 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 गल्लां दसनियां, मैं उन्होंने पॉजिटिव पॉजिटिव होके बोलना, उन्होंने पूरा नहीं बदल नहीं सकती सिचुएशन। मैं कहती तुसी प्रोफेसी कर रहे हो, परमेश्वर कहता है मैं बदल सकता हूं यदि तू विश्वास करे, और चीजें बदल दिया ने, बांझ बच्चे पैदा कर दी है, बीमार चंगे हुंदे ने, कर्जे उतरदे ने, लोग प्ले सुनदे ने। हालेलुया। कुछ भी अपा जब प्रॉब्लम आई अपा रोन बैठ जाना, हाय वो बंदा मेरी जान ले लेगा, हाय मर गया, हाय कुछ नहीं बनना, डॉक्टर ने जवाब दे दिता कोई गल नहीं, प्रभु की कहना याद रखो, लोग की कहने नहीं, परमेश्वर की कहना। उस टाइम रोना नहीं है, नेगेटिव गल्ला नहीं बोलनिया, अपने आप नू वो न्यूज सुन के डाउन नहीं करना। की करना उस टाइम ते? परमेश्वर दी बुद्धि दी बातें जो परमेश्वर दे वचन च लिखा है, एक चीज बोलनी है जो मेरे भीतर है वो संसार तो बड़ा है, मैं मसीह च नई सृष्टि हां, पुरानी गल्ला बीत चुकिया है, यीशु दे कोड़े खान नाल मैं चंगा हो चुकिया, मेरा परमेश्वर इस प्रॉब्लम तो बड़ा है, वो मेरी गवाही उत्पन्न करेगा। हालेलुया। नंबर 5, अनदेखी वस्तुओं की ओर देखना। हालेलुया। जो दिखती नहीं है, जो आपको दिख नहीं रही, उन चीजों को इमेजिन करना, उनको अपने दर्शनों में देखना, उनके बारे में सोचना, उनको देखना। चाहे बाहर से सिचुएशन खराब है, बाहर से हम कमजोर हैं, लेकिन जब हम उन बातों को देख रहे हैं, उन बातों को जो नहीं है, अभी दिख नहीं रहे, अनदेखी बातें हैं, हम अपनी चंगाई को देख रहे हैं, हम अपने आप को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, परमेश्वर ने कहा जहां तक तेरी नजर जाएगी वो सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इब्राहिम बाहर निकल और देख, जहां तक तेरी नजर जाती है वो सब तेरा है। हमारी सोच हमारी नजर है, हम वो अनदेखी बातें
पर्दे की बातें जो हमें दिखाई नहीं दे रही अभी, हम जहां तक सोच सकते हैं कि हमारा परमेश्वर ये कर सकता है, वो कर सकता है आपके लिए। हालेलुया। बाहर की चीजें, बाहर की परिस्थितियां नहीं, आपको भले दिख रहा है, आपको बीमारी है, आपके जीवन में ये प्रॉब्लम है, दिख रही है, लेकिन आपको विश्वास करना प्रभु के वचन पे। आप देखोगे, आपको इमेजिन करना अपने आप को चंगाई पाते हुए, आपको इमेजिन करना बाहर निकलते हुए, आपको इमेजिन करना वो सारी कामयाबी को देखते हुए, आपको इमेजिन करना मैं उस बड़े घर में जा रहा हूं, आपको इमेजिन करना मैं वो बिजनेस मेरा बढ़ रहा है। जो कुछ आप अनदेखी चीजों को देखोगे वो आपकी जिंदगी में जगह लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाहर क्या लगे, बाहरी चाहे मनुष्य नष्ट होता जाता है, लेकिन अंदरूनी हमारा बढ़ता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। मुझे कोई कुछ भी कहता रहे, मैं वो नहीं देखूंगी जो लोग मुझे दिखा रहे हैं, मैं वो देखूंगी जो परमेश्वर ने मुझे बोला है, मुझे दिखाया है, मुझे बोला देख। परमेश्वर ने कहा जहां तक तेरी नजर जाती है वो सब मैं तुझे दे दूंगा। जहां तक आप देख सकते हो मैं आपको बोल रही हूं, वो सब आपका यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।